आज हम आपके लिए ऑयल फ्री दही बड़ा बनाने जा रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है एकदम थिक दही, जिसको मैंने फैट लिया है। ये हमने छेना, दूध को फाड़ के छेना बना लिया है। ये अनार है, ये कसा हुआ नारियल है, ये कंपलसरी है, छेना भी और नारियल भी। इसमें हमने लिया है धनिया पत्ती की चटनी, जो घर पे अपने बनाते हैं। ये हमने लिया है पीसी हुई चीनी, ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये धनिया पत्ती, ये नमक, लाल मिर्च, जीरा को हमने सेक के पीस के रखा हुआ है। और ये हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड की किनारी हमने काट लिया है, बड़े साइज की ब्रेड है। आइए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने छेना ले लिया है, जिसको हमने फाड़ के क्रश करके रख लिया था, एकदम ड्राई है, अच्छी तरह से छान के। उसके बाद हम ये कसी हुई नारियल ले लेंगे। नारियल अब कसना ही, कसने से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम अनार ले लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। सब अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी डालना है। आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड को पानी में डिप करेंगे, आगे और पीछे। ज्यादा भी डिप नहीं करना, गलाना नहीं है। इसको तुरंत निकाल लें और इसको ऐसे हाथ से प्रेस करें। इसके सारे पानी अच्छे से निकल जाएंगे। और इसे प्रेस किया हुआ ब्रेड के ऊपर में अब हम मिक्सर लगाएंगे। एकदम अच्छी तरह से फील करें, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। इसे हम एकदम अच्छी तरह से ऐसे गोल गोल बना लेंगे। ना हमें तलना है, ना हमें कुछ सेकना है, ये बन के तैयार है। इसे हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। आइए इसे हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम दही में थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं पीसी हुई, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा अच्छा हो जाए। सबसे पहले हम दही डालेंगे। इसमें हम धनिया पत्ती की चटनी डाल लेते हैं। अब हम इसमें इमली की चटनी डाल लेते हैं। आपको जो चटनी ज्यादा पसंद हो, जो टेस्ट आपको ज्यादा पसंद हो, वो आप ज्यादा डाल सकते हैं। जिसकी टेस्ट आपको कम पसंद है, वो आप कम भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से डालें। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से ही डालें। हम लाल मिर्च डाल लेंगे। इसमें सेका हुआ जीरा आप डाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अनार डाल लेते हैं। खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, खिलाने में भी अच्छा लगेगा। अब थोड़ी थोड़ी धनिया पत्ती डाल लेते हैं। अब हमारे पास जो कसी हुई नारियल थी, वो भी हम थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। अगर इच्छा हो तो डालें, ना इच्छा तो ना डालें, आपके जैसी पसंद। ये देखिए हमारा ऑयल फ्री दही बड़ा बन के एकदम तैयार है। आप इसे खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें, और पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।